मुझे ये ध्यान है कि जो हम लोग यहाँ थोड़ा गला खराब है, 90 में हम लोग यहाँ आए थे कि पास वाला मकान हम रहते हैं, बाबूजी सामने रहते हैं, तो बाबूजी ने जो लिखना शुरू किया था, बाबूजी रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत ही वृहद लेखन किया, उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा और वो पत्रिका से जुड़े रहे, पत्रिका में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। डॉक्टर मनोहर प्रभाकर थे, अब तो नहीं है वो, तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया उनको लिखने का, बहुत मतलब प्रेरणा दी कि आप लिखा करो, क्योंकि उनको छपने का शौक़ नहीं था। बाबूजी को जो रचनाएं वो लिखते थे उनको छपने का शौक़ नहीं था कि मेरी रचनाएं छपना छपी छपनी चाहिए। मैं कहीं मैं क्योंकि प्रेस में रहा 30 साल, PTI में रहा, 4 साल ट्रिब्यून में रहा, मैं स्टेट्समैन में हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंट राजस्थान का, तो उनको हम यही कहते थे बाबूजी छपा करो, पता कैसे चलेगा लोगों को आप लिखते हैं, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस वाले जान सकते हैं, रिश्तेदार जान सकते हैं। तो वो उन्होंने छपने का एक अभ्यास शुरू किया और ढूंढानी में किया। उनका कपूर चंकुल जी से भी बहुत अच्छा संपर्क था, पत्रिका में भी बहुत अच्छा लिखा करते थे वो, तो इस तरह से वो बढ़ते रहे और हम लोग पहले श्रोता होते थे जो उनको नियमित सुनते थे और उनके पास जाते थे और उनका सानिध्य था, क्योंकि बाबूजी का जाना हमारा पारिवारिक क्षति है। तो मैं जो हूँ ये पत्रकारिता के साथ कहानियाँ भी लिखता रहा, तो बाबूजी ने मेरी बहुत सारी कहानियों का अनुवाद किया, बहुत सारी कहानियों का अनुवाद किया। अब जैसे उनका ये जागती जोत में कहानी छपी मेरी, जोधपुर में माणक है उसमें मेरी कहानी छपी, ये बीजा बिंजारों में मेरी कहानी छपी, उन्होंने उनकी लिखी हुई अनुवाद है इसमें। पर ऐसा नहीं था कि वो छोटी छोटी ये डूडाड़ी की कविता लिख के संतोष रहता था, मतलब मेरी 10-10 पेज 15-15 पेज की कहानियाँ उन्होंने ट्रांसलेट की हैं हिंदी में, सॉरी राजस्थानी में, डूडाड़ी में नहीं किए। अब जैसे ये मेरी कहानी थी इन्होंने एक धरती की और एक मौसम की है।